स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें हमारी 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे, जहां पे हम चेक कर रहे थे कि ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये हमारा ग्राफ चल रहा है इस तरह से, यहां आकर ये ब्रेक हो गया और यहां से ये चल दिया ना। तो ये जो पॉइंट यहां पे ब्रेक हुआ है, लेट कोई भी एक पॉइंट है, हमने सी पॉइंट लिया, एक्स इक्वल टू सी पे ये ब्रेक हो गया। तो हमने कहा था कि भाई इस वाले पॉइंट पे आप चेक करके बताओ ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस चेक करके बता दिया था, वही लिमिट वाले मैथड से। लेकिन अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी यहां पे ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसके जितने भी पॉइंट है जहां पे ये कंटिन्यूस नहीं है आपको वो फाइंड करके दिखाना है। तो फिर वो पॉइंट हम लेकर के कैसे आए, क्या जितने भी नंबर से रियल नंबर सबके लिए देखेंगे? नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि ये फंक्शन टूट कहाँ रहा है ना। एक्स की यहाँ पे सारी वैल्यू, सारे रियल नंबर्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि ये एक पॉलीनोमियल है, 2x+3 एक लीनियर फंक्शन है आपका। तो ये टूट रहा है आपका यहाँ पे। यहाँ क्या कंडीशन दी है, जब एक्स इक्वल टू 2 है, जब एक्स इज लेस देन 2 है और जब एक्स इज ग्रेटर देन 2 है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, लेफ्ट में सारी वैल्यू क्या है, 2 के ऊपर एक ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है। तो लेट के अगर ये वाला ग्राफ मेरा 2x+3 है और ये वाला ग्राफ जो है वो मेरा 2x-3, तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी, एक्स इक्वल टू 2 पर ये ब्रेक हो रहा है। तो जिस भी वैल्यू पर ये ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अगर ग्राफ इस तरह से टूटा हुआ होगा तो डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, अगर ग्राफ पूरा इस तरह से कंटिन्यूस होगा तो यही ग्राफ आपका इस तरह से पूरा बिना पेन उठाए हम बना लेंगे ना। तो जो पॉइंट आपको यहां पे दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है, उसी पॉइंट पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो वहां पॉइंट हमें दिया हुआ था, यहां हम इन कंडीशन से अपना पॉइंट निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 2, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, तो हम x इक्वल टू 2 के ऊपर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखो यहां फंक्शन की 3 अलग अलग डेफिनेशन है, एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि जब हम लिमिट्स निकालेंगे तो हमें ये चीज चाहिए होती है। एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, तो एक्स इक्वल टू 2 पे आपका एफ एक्स है यहां पर 2x+3 है। फिर एक्स इज लेस देन 2 पे भी यही फंक्शन है, लेस देन 2 पे भी आपका यही एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2x+3 है। और x इज ग्रेटर देन 2 पे आपका फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू आपका है 2x-3 है। हम यहाँ पे वैल्यू निकालते तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो ये 3 वैल्यू हमें यहाँ निकाल के दिखानी है। तीनों इक्वल तो ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, अगर तीनों नॉट इक्वल है तो ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 यानी कि इक्वल एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू 2 तो ये वाला फंक्शन आपका रहा है, तो इसमें एक्स की जगह पे ये रख दो, तो ये 2 × 2+ आपका 3 हो गया। तो ये 2 × 2 = 4+3 आपका कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होती है, लिमिट किस पे, इस पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लेफ्ट मतलब 2 से थोड़ा सा लेफ्ट, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया। फिर इसके बाद आपको पता ही क्या करते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 माइनस, ओके लेफ्ट हैंड साइड है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2-h करेंगे, 2 से थोड़ा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2-h हो जाएगा। तो बस ये वैल्यू आप पुट करो जहां पर भी। अब देखो माइनस के लिए यानी LHL मतलब x से इस तरफ वाला, x इक्वल टू 2 से लेफ्ट वाला, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 माइनस, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यहाँ x है तो यहाँ x है, जब 2-h है तो इस x की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2-h हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है। तो अब यहाँ पे क्या गया, 2 अभी हमने लिमिट पुट नहीं की, तो फिर से आप लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 माइनस, तो ये 2 × 2 = 4 − 2h + आपका 3 हो गया। अब एच इज टेंडिंग टू 0 तो 0 पुट कर लो, 4 − 2 × 0+3, तो ये तो 0 हो गया, तो 4+3 आपका यहाँ पर 7 आ गया। चलो अब राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x-3 हो जाएगी। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 2+f(x) हो जाएगा, फिर इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, h यानी यहाँ पे क्या है, जो ये h यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल 0 के बराबर, मतलब हमने नेग्लिजिबल 2.01 है, h यहाँ पे 0.1 है, 0.001 है, इस तरह से। चलो इसके लिए जो फंक्शन है हमारा
उसके हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन टू के लिए ये फंक्शन है, तो 2x-3 इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। तो 2 हो गया, x की जगह रखा 2 प्लस एच और ये आपका माइनस का 3 हो गया। तो सॉल्व करो, लिमिट h इज स्टैंडिंग टू 0 प्लस, तो ये 2 2 4 प्लस 2x-3 हो गया। तो 0 यहाँ पे रखो आप, 4 प्लस 2 इंटू 0-3, तो ये तो 0 हो गया, तो 4-3 आपका यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्या तीनों वैल्यू इक्वल है, तो f ऑफ 2 तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। LHL यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारा 7 आ रहा है, और RHL ये हमारा क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों मतलब ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये तीनों आपस में यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों को सच बोलना चाहिए। एक भी अगर झूठ बोल रहा है इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हमने कह दिया बाकी के पॉइंट का तो हमें नहीं पता, लेकिन 2 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, है ना, जहां पे ब्रेक हो रहा था हमने वहां चेक किया, तो ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस नहीं है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, डिसकंटिन्यूस लिख लेंगे। अब बाकी के पॉइंट पे है या नहीं, तो हमने तो जो ग्राफ जहां पे टूट रहा था बस उसी पॉइंट पे हमें ये चेक करना है। चलो नेक्स्ट देखो हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वही कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हमें चेक करना है। तो यहां पे देखो 3 पॉइंट है, एक आपको कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू -3, एक x आपको कह रहा है कि -3 और 3 के बीच में, और x आपको कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ देखती हूँ, तो ये जो आपका ग्राफ है -3 से क्या बन रहा है, 3 के बीच में बन रहा है, इन्हीं के पॉइंट्स है ना, उनके बीच में आपका ये ग्राफ बन रहा है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। जब एक पॉइंट दिया है तो एक पॉइंट पे चेक करेंगे, जब 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, जब आपको 4 पॉइंट दिया होगा तो बीच की कोई 2 वैल्यू पे हम चेक करेंगे। ये आपका यहाँ पे प्रोसीजर है। अब यहाँ पे देखो ये मॉड्यूलस एक्स है, तो मॉड्यूलस एक्स को हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस एक्स की क्या डेफिनेशन होती है, तो मॉड्यूलस एक्स हमें यहाँ पे क्या कहता है, देखो एफ ऑफ एक्स अगर आपका यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक्स की 3 वैल्यू हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है एक्स, या आपका लेस देन 0 हो सकता है, या एक्स आपका इक्वल 0 हो सकता है, यही 3 वैल्यू हमारी यहाँ पे हो सकती है। तो एक्स इक्वल 0 पे तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 आएगा। x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी 1 2 3 पे सारे x भी, यानी कि f ऑफ x भी यहाँ पे क्या आएगा, आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 जो भी आप वैल्यू रखोगे वो की वो वैल्यू आ जाएगी। जब आप, लेकिन जब आप x इज लेस देन 0 यहाँ पे रखोगे, तो f ऑफ x यहाँ पे आएगा तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसको काम क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूलस यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी x की वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे हो उसके आगे उसको एक माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि आप जो भी x की वैल्यू यहां पे रखो तो ये उसको पॉजिटिव बना दे। तो जैसे लेस देन 0 में मैंने -1 रखा, तो ये एक माइनस बाहर है, तो ये इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर मैंने यहां पे -2 रखा, तो ये -1 करके इसको प्लस बना देगा। तो सिर्फ इस कंडीशन में मॉड्यूलस एक्टिव होता है, इस कंडीशन में वो एक्टिव नहीं रहता है ना। तो आप यहां पे fx की मॉड्यूलस की हमेशा डेफिनेशन को याद रखा करो, कि जब x इज लेस देन 0 है, तो आपके यहां पे मॉड्यूलस को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस देना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 पे ये 0 ही कर देगा, और x ग्रेटर देन 0 पे ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ही आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि लेस देन 0 पे इसको एक माइनस साइन देना पड़ेगा, इक्वल 0 पे कुछ काम नहीं करना है, ग्रेटर देन 0 पे भी कुछ काम नहीं करना है। तो आप यहां पे देखो, इसने x की वैल्यू क्या ली है, x इज लेस देन -3, तो ये वो सारी वैल्यू यहां पे आ रही जो -3 से लेस है, लाइक -4 है, -5 है, -6 है, बहुत छोटी वैल्यू भी है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जो भी x आप रखोगे वो हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या है, माइनस x है, बाकी सारी चीज आपकी यहाँ पर एज इट इज है ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो हमने ये यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इफ x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, और ये x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 6x+2 है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, अदरवाइज हमें मॉड्यूलस x का मतलब क्या समझ है, मॉड्यूलस की 3 डेफिनेशन होती है, कब उसको माइनस साइन देना है, कब उसको नहीं देना है ना। अब आप यहाँ पे देखो फिर से कौन से पॉइंट पे चेक करें, तो मैंने आपको बता दिया जब 2 पॉइंट दिए होते हैं तो दोनों पे हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू -3 पे, तो पहले देखें तो x इक्वल टू -3 पे आपकी इक्वेशन चेंज होती है कि नहीं।
तो हमने सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस थ्री, इधर हम लेंगे x इज लेस देन माइनस थ्री और इधर लेंगे x इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रही है, सबसे पहले तो x इक्वल टू माइनस थ्री आपका ये ना, यहाँ इक्वल का साइन है तो ये इसके लिए आपकी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली माइनस एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। फिर x लेस देन माइनस थ्री तो ये आपका क्या होगा, लेस देन माइनस थ्री, x छोटा है माइनस थ्री से तब भी इसके लिए भी आपकी इक्वेशन रही रहेगी एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। और x ग्रेटर देन माइनस थ्री तो ग्रेटर देन माइनस थ्री के लिए इसके लिए इक्वेशन आपकी होगी एफ एक्स इक्वल टू माइनस का टू थ्री होगी। तीनों इक्वेशन हमने निकाली, अब वन बाय वन वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ माइनस थ्री निकालना होता है, एल एच एल बार एच एल बाद में निकालेंगे, तो एफ ऑफ माइनस थ्री तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, तो इस एक्स की जगह माइनस थ्री रखेंगे तो ये आपने पुट किया और ये थ्री माइन इक्वल के लिए ये लेना है, लेस के लिए ये एल एच एल के लिए ये आर एच एल के लिए ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये थ्री प्लस थ्री आपका यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे सिक्स हो गया। तो ये हमने यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल दें तो एल एच एल लेना, ये एल एच एल तो माइनस थ्री पे निकालना है, तो एक्स इज टेंडिंग टू माइनस थ्री और ऊपर माइनस का साइन, माइनस का साइन मतलब माइनस थ्री से इस तरफ है ना, माइनस थ्री से इस तरफ की वैल्यू, तो ये आपके क्या हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस थ्री से थोड़ा सा छोटा तो माइनस थ्री माइनस का एच कर दिया एफ ऑफ, ठीक है। अब आपकी इसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, तो इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पहले आप लिमिट लगा लो और एफ ऑफ एक्स लिख दो, फिर आपको पता है कि हमें लिमिट लगानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो माइनस थ्री से थोड़ा सा छोटा तो माइनस थ्री में से माइनस एच को सबट्रैक कर देते हैं और उसके बाद ये वैल्यू इस वैल्यू के लिए एल एच एल लिमिट के लिए जो फंक्शन आ रहा है उसमें वैल्यू को पुट कर दो, तो ये आपका यहाँ पर हो गया लिमिट एच इज स्टैंडिंग टू जीरो माइनस, अब ये है माइनस और यहाँ पे लिख दो माइनस थ्री माइनस एच और ये आपका प्लस थ्री हो गया, तो माइनस को अंदर लेके चले जाओ लिमिट एच इज स्टैंडिंग टू जीरो माइनस, तो ये थ्री प्लस दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव है तो ये थ्री हो गया, तो एच की जगह आप जीरो रख दो तो थ्री प्लस जीरो प्लस थ्री तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया सिक्स हो गया, यहाँ भी सिक्स यहाँ भी सिक्स हो गया। चलो अब आर एच एल लिमिट, अब तो आपको ये हमने स्टार्टिंग के फोर क्वेश्चन किए ना तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टू माइनस थ्री प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया, तो ये आपका क्या हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस करेंगे, प्लस का मतलब माइनस थ्री से इधर वाले, अब इधर वाली बात कर रहे हैं तो ये वाली इक्वेशन यूज आएगी आपकी, तो ये इस माइनस थ्री से थोड़ा सा आगे तो माइनस थ्री में एच को ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन इसके लिए ये वाला है, इसमें ये वैल्यू को आप पुट करोगे तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस माइनस टू, तो आपका यहाँ पे एज इट इज हो गया, एच की जगह क्या रखोगे माइनस थ्री प्लस एच रखोगे, तो इसको सॉल्व कर लो पहले लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस माइनस टू इंटू माइनस थ्री तो ये आपका सिक्स हो गया, और माइनस टू इंटू एच तो माइनस का टू एच हो गया। अब वैल्यू पुट कर लो सिक्स माइनस टू इंटू जीरो तो ये आपका कितना हो गया एच की जगह एच जीरो को टेंस करा तो जीरो रख दिया टू इंटू जीरो जीरो तो यहाँ पे सिक्स आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो हमारी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ माइनस थ्री भी सिक्स आ रहा है, एल एच एल लिमिट भी हमारी सिक्स आ रही है और आर एच एल लिमिट भी हमारी सिक्स आ रही है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूज है, ठीक है। अब ये सेम वाला काम हम किसके लिए करें, अभी हमने माइनस थ्री के लिए चेक किया अभी थ्री के लिए भी तो चेक करना है। चलो नेक्स्ट पार्ट करें x इक्वल टू थ्री पे, तो देखो x इक्वल टू थ्री पे हमारी तीनों इक्वेशन क्या आती है, तो x इक्वल थ्री ये इक्वल का साइन है तो x इक्वल थ्री पे आपकी इक्वेशन क्या है एफ एक्स इक्वल टू है सिक्स एक्स प्लस टू है। फिर x इज लेस देन थ्री, लेस देन थ्री पे आपका यहाँ पे क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है माइनस का टू एक्स है, और x ये इक्वल के साइन के साथ ग्रेटर का साइन भी, तो x इज ग्रेटर देन थ्री पे आपका एफ एक्स यहाँ पे क्या है सिक्स एक्स प्लस आपका टू है। तो ये आप बना लोगे ना तो आपको बार बार इक्वेशन देखने की जरूरत है, ये समझ में आ गया बस आप पुट करते रहो। अब सबसे पहले हमें एफ ऑफ थ्री निकालना है, यानी कि x इक्वल टू थ्री पे वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू थ्री के लिए फंक्शन कौन सा ये वाला, तो यहाँ पे पुट कर दो सिक्स इंटू थ्री प्लस टू, तो सिक्स थ्री जा क्या हो गया एटीन प्लस टू, तो एटीन प्लस टू आपका यहाँ पे कितना आ गया है तो ट्वेंटी आ गया। चलो अब एल एच एल कैलकुलेट करते हैं, तो एल एच एल आपका क्या हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, यही होगा। फिर लिमिट अब इससे थोड़ा सा छोटा तो हम यहां पे क्या करेंगे एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच हमारा टेंडिंग टू जीरो, हमने एच लिया है
तो हमने इस लिमिट में से उस एच को सबट्रैक्ट किया, थोड़ा सा छोटा सा। तो अब इसके लिए LHL के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो इस एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे। तो ये आपका हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस, और ये माइनस का टू और एक्स की जगह क्या रखेंगे, थ्री माइनस एच। बस वैसे ही फंक्शन में वैल्यू पुट करते, बस वैसे ही। तो आप यहाँ पे जीरो रख दो, तो ये माइनस टू, थ्री माइनस जीरो, थ्री माइनस जीरो क्या होता है, थ्री होता है, तो थ्री इंटू माइनस टू कितना हो गया, ये आपका माइनस का सिक्स आ गया यहाँ पे। तो आप देख लो वैसे ये 20 आ रहा है, ये माइनस सिक्स आ रहा है, तो सामने पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो बट हमें कैलकुलेट तीनों करके दिखाने पड़ते हैं। तो ये होगा आपका यहाँ पे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस एच करना है। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, ये प्लस माइनस साइन दिखा रहे हैं कि थ्री से पहले है या थ्री से बाद में है। तो ये हो गया एफ ऑफ थ्री प्लस एच हो गया, करो वैल्यू पुट। अब थ्री प्लस एच के लिए, तो एच से थोड़ा सा बड़ा होगा उसके लिए कौन सी इक्वेशन है, तो ये सिक्स एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे, तो सिक्स इंटू एक्स पे क्या रखेंगे, थ्री प्लस एच प्लस टू रखेंगे। तो पुट कर दो जीरो, तो सिक्स इंटू थ्री प्लस जीरो प्लस टू, थ्री प्लस जीरो थ्री होता है, तो सिक्स थ्री जै एटीन प्लस टू, ये भी आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, ट्वेंटी आ रहा है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी LHL लिमिट है वो RHL लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये हमने फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारा LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पे क्या कह रहा है, वही हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो आप यहाँ पे फंक्शन ब्रेक कहाँ हो रहा है, तो फंक्शन आपका जीरो पर ब्रेक हो रहा है। क्या कह रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे ये इक्वेशन है और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे देखो मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो मॉड्यूलस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये प्लस का एक्स है या माइनस का एक्स है। तो वही मॉड्यूलस की हमारी डेफिनेशन होती है, अगर एक्स आपका जीरो से छोटा है, मतलब एक्स अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस को एक माइनस देना पड़ेगा। जीरो है तो जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो मतलब सारे जो भी नेचुरल नंबर है, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर है, उन सब पे आपका एक्स एक्स ही रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन हमारी चेंज हुई है, क्यों, कि नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं। तो यहां से दो कंडीशन हो सकती, या तो एक्स लेस देन जीरो होगा, या फिर आपका एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, यही दो वैल्यू आएगी। तो लेस देन जीरो पे इसको माइनस एक्स होना पड़ेगा, और ग्रेटर देन जीरो पे इसको एक्स होना पड़ेगा। तो यहां से हमारी क्या बन रही है, दो डेफिनेशन बन रही है। अब दो डेफिनेशन यहाँ पे कैसे बन रही है, कि नॉट इक्वल टू जीरो को हम इस तरह से दो भाग में बांट सकते हैं। तो कैसे, जब एक्स इज लेस देन जीरो हो जब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो जब, और जब एक्स इक्वल टू जीरो हो। तो जब एक्स आपका लेस देन जीरो होगा, तो मॉड्यूलस एक्स किसके इक्वल हो जाता है, माइनस एक्स के। क्यों, क्योंकि लेस देन जीरो जैसे माइनस वन है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस और देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स रख दोगे, है ना। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड्यूलस एक्स आपका एक्स ही रहता है, तो यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू जीरो पे आपका जीरो रहेगा। तो आप इसको चाहे तो सॉल्व कर लो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस वन आ गया, या एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो वन आ गया, और ये आपका जीरो का जीरो रह गया। तो आप फिर से, हम यहाँ पे कहाँ चेक करें, जीरो पे फंक्शन टूट रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे कहाँ पर, x इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे। तो सेम अगर मैं वो लाइन बनाती हूँ, तो आपको तो यहाँ पे तो सिंपली दिख रहा है ये वाला, कि ये जो मेरा x इक्वल टू जीरो पे, इस पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर इधर जाते हैं, मेरा x इज लेस देन जीरो है, तो x लेस देन जीरो पे एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स इक्वल टू आपका माइनस का वन है। और अगर x ग्रेटर देन जीरो पे जाते हैं, तो ग्रेटर देन जीरो पे एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है, वन है। तो ये तीन इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन रही है। चलो अब वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, हम x इक्वल टू जीरो पे, तो एफ ऑफ जीरो, एक्स जीरो रखो, तो ये तो आपका कोई वेरिएबल तो है ही नहीं इधर, तो बस इसकी वैल्यू यही होगी। फिर LHL लिमिट आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तो लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टू जीरो पे फाइंड करना है, तो जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, तो जीरो से थोड़ा सा छोटा हमें लेना पड़ेगा, तो एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच हो जाएगा। तो देखो ये जीरो माइनस एच है, तो इसके लिए लेस देन के लिए इक्वेशन क्या है, ये वाली है, बट इधर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर ये होता माइनस वन प्लस एक्स होता, इस तरह से होता कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस एक्स, तो इस एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू को पुट कर दे, बट है ही नहीं। अब इस एक्स की जगह पे आप कुछ भी पुट कर लो, चाहे जीरो माइनस एच करो, टू माइनस एच करो, थ्री माइनस एच करो, इधर वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए हमें कोई लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा आपने फाइंड कर लिया। फिर यहाँ पे देखो RHL, तो RHL में भी ऐसे होगा, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू जाती है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया, तो लिमिट करो एच इज स्टैंडिंग टू, जो हमें RHL इस तरफ के लिए लिखना है, तो ये फंक्शन है हमारा एच इज स्टैंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच हो गया। तो इसको हम यहाँ कहाँ पुट करें, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये इक्वेशन है ग्रेटर के लिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, वन हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, तीनों आपस में इक्वल
नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू जीरो पे। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को देखें, 9 को, तो यहां पे भी आपको क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो पहले हम फंक्शन को करेक्ट कर लेते हैं। तो जब मॉड्यूलस की वैल्यू जो होगी ना, हमेशा इसके ऊपर डिपेंड करेगी। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू जीरो था, तो दो ही कंडीशन होती है, x लेस देन जीरो हो सकता है, x ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। बट यहां पे आपको सीधा का सीधा दे दिया कि x लेस देन जीरो है, तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन में x लेस देन जीरो पे मॉड्यूलस x क्या हो जाता है, माइनस x के इक्वल हो जाता है। तो ये फंक्शन हमारा सीधा का सीधा यहां पे क्या हो गया कि इस x की जगह पे अब हम यहां पे क्या रख देंगे, माइनस x रख देंगे। तो ये f ऑफ x किसका इक्वल हो जाएगा, x अपॉन माइनस x का, जब आपका x यहां पे लेस देन जीरो है। और x इक्वल टू जीरो का है, तो x इक्वल टू जीरो पे माइनस वन है, और x आपका ग्रेटर देन जीरो का हो तब भी आपका माइनस वन है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि x की कौन सी वैल्यू पे ये फंक्शन लेना है। तो x की जीरो से छोटी जितनी भी वैल्यू, मतलब सारी नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन लेना है। तो नेगेटिव वैल्यू पे हमें पता है कि उसको माइनस देना पड़ता है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हमने ये मॉड्यूलस x की जगह पे ये वाली वैल्यू दी। तो अब ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या हो गया, ये भी माइनस वन के इक्वल आ गया। तीनों माइनस वन है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इक्वल टू जीरो पे भी ये आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पे भी माइनस वन आएगा, राइट हैंड साइड लिमिट पे भी माइनस वन आएगा। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। बट हमें तो पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करके दिखाना है, तो वही हमारा x इक्वल टू माइनस वन लेंगे, इधर आपका माइनस वन ही x इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है ना, तो x इक्वल टू जीरो पे, x इज लेस देन जीरो पे, और x इज ग्रेटर देन जीरो पे लेंगे। तो x इक्वल टू जीरो पे आपका फंक्शन क्या है, तो f ऑफ x इक्वल टू माइनस वन है। फिर आपका x लेस देन जीरो पे क्या है, तो यहां पर भी आपका f ऑफ x इक्वल टू माइनस वन है, और यहाँ x ग्रेटर देन जीरो पे क्या है, तो f ऑफ x इक्वल टू यहां पर भी माइनस वन है। तो ये तीन डेफिनेशन आपकी यहाँ पे क्या हो रही है। चलो करो फटाफट से वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये f ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हम जीरो पे निकाल रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन यहाँ ब्रेक हुई थी। तो x इक्वल टू जीरो पे f ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस वन। अब मैं इस x की जगह जीरो पुट करूं, वन टू कुछ भी पुट करूं, ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। फिर आपने यहाँ पे निकाला एल एच एल, तो ये आपका कितना हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो माइनस f ऑफ x हो गया, है ना, क्योंकि जीरो पे निकालना, जीरो माइनस किसको दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड को। तो फिर लिमिट जीरो माइनस, तो जीरो में से h को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये h इज टेंडिंग टू जीरो माइनस f ऑफ, जिसमें से जिसके ऊपर हमें वैल्यू निकालनी थी उसमें से माइनस h कर दिया। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे, कहीं पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो सीधा का सीधा माइनस वन हो गया, है ना। फंक्शन होगा तो हम पुट करेंगे ना, अगर ये इक्वेशन हो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे ही, मुझे बार बार सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ x, जीरो प्लस f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ, अब जीरो में हम h को ऐड करेंगे क्योंकि हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, माइनस वन, वही कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ भी माइनस वन ही आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, लेकिन आपको पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। हमें क्वेश्चन में पूछा है कॉन्टिन्यूस कहाँ पे, वो नहीं पूछा है, आपको पूछा है वो कौन से पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूस है। तो हमने जीरो पे चेक किया क्योंकि जीरो पर ब्रेक हो रहा था, लेकिन ये जीरो पर भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर इस तरह से लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिस कॉन्टिन्यूटी। ऐसा क्यों, तो अगर मैं यहां पे देखो एक ग्राफ बनाती हूं इस तरह से, है ना, तो लेट कि मेरा यहां पे ये ग्रेटर देन x ग्रेटर देन जीरो पे माइनस वन वैल्यू तो इधर जा रहा है, x आपका ग्रेटर देन आपका नहीं लेस देन जीरो पे इधर जा रहा है, ग्रेटर देन जीरो पे इधर जा रहा है, तो फंक्शन आपका कहां पे ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू जीरो पर आपका ब्रेक हो रहा है, तो बाकी सब पे तो कंटिन्यूस है, इधर भी सारे कंटिन्यूस, x इक्वल टू जीरो सिर्फ एक पॉइंट था जहां हमने चेक किया, तो यहां पर भी ये कॉन्टिन्यूस आ गया। इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, बिल्कुल इस तरह से कॉन्टिन्यूस यहां पे बन रहा है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि भाई डिसकंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट यहां पे है ही नहीं। तो सेम हम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी ऐसे ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 9 का आगे आपका ये रहा, तो यहाँ पे f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ, जैसा हमें क्वेश्चन पूछा है हम वैसा लिखेंगे, है ना, जैसा क्वेश्चन पूछा है आंसर हमेशा वैसे ही लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वही तो फंक्शन आपका है x प्लस वन इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन,
और एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन वन। तो फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, एक ही वैल्यू दी हुई है वन, तो वन पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा फंक्शन क्या है। तो एक्स इक्वल वाला साइन है, एक्स इक्वल टू वन पे एफ ऑफ एक्स कितना है, तो एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पर एक्स प्लस वन है। एक्स ग्रेटर देन वन पे क्या है, तो ग्रेटर देन वन के ऊपर आपका है एफ ऑफ एक्स जो है वो भी आपका यहाँ पर एक्स प्लस वन है। और एक्स लेस देन वन पे कितना है, तो लेस देन वन पे आपका एफ ऑफ एक्स कितना है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो तीनों फंक्शन हमने लिख दिए। अब आप यहां पे वन बाय वन देखो, तो हम चेक कर रहे हैं चेकिंग एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ वन निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ वन आपका यहाँ पे कितना होगा, एक्स इक्वल टू वन पे ये इक्वेशन है, एक्स वन रखो तो वन प्लस वन, ये आपका यहाँ पे आ गया टू। चलो फिर आप यहाँ पे निकालो एक्स इज लेस देन वन, यानी एलएचएल लिमिट निकालते हैं। तो एलएचएल में आपका यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं, वन पे, तो ये वन माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, h को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लेकिन वो h भी क्या है, टेंडिंग जीरो है, मींस कि जीरो के बराबर है। तो f ऑफ जीरो, नो जीरो नहीं, वन माइनस h, वन पे फाइंड करें ना ये, तो वन में से कुछ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये आपका हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस वन। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी h की जगह जीरो पुट कर सकते हो। तो ये आपका कितना हो गया, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन हो गया। अब आप एच की जगह जीरो रख दो, तो ये वन प्लस वन आपका टू हो गया, प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, तो ये आपका यहाँ पे टू ही आ गया, ठीक है, इधर भी टू आ रहा है। चलो आर एच एल कैलकुलेट करते हैं, तो आर एच एल के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू वन, प्लस प्लस यानी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना यानी वन में एच को यहाँ पर एड करना है ना। तो ये हो गया एफ ऑफ वन प्लस एच हो गया। अब एच ग्रेटर देन वन के लिए इक्वेशन क्या है, ये वाली एक्स प्लस वन वाली है, तो पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो ये एक्स प्लस वन है, तो यहाँ रखेंगे वन प्लस एच प्लस वन हो गया। तो एच की जगह जीरो रख दो, तो ये वन प्लस जीरो प्लस वन, यानी कि ये भी आपका टू आ रहा है। तो इसका मतलब तीनों वैल्यू आपकी इक्वल है, दिस दिस दिस, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर, एक्स इक्वल टू वन पे, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हमें बाकी सब पे तो कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ x इक्वल टू वन पे हमने चेक किया, वहां पे भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, मतलब ये सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो कोई डिसकंटिन्यूटी की बात ही यहाँ पे नहीं बनती, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे, f इज कॉन्टिन्यूस x इक्वल टू वन, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो इलेवेंथ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप यहां पे देखो, वही आपको अब यहां पे कॉन्टिन्यूटी, तो यही हमें देखना है, कौन से पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो टू पे ब्रेक हो रहा है, तो हम टू पे चेक करेंगे। तो टू के लिए अलग अलग इक्वेशन निकाल लें, एक्स इक्वल टू टू के लिए इक्वेशन क्या है, तो यहां पर है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री है। एक्स इज लेस देन टू पे क्या इक्वेशन है, तो यहां पर भी यही इक्वेशन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री है। और एक्स इज ग्रेटर देन टू पे क्या इक्वेशन है, तो ग्रेटर देन टू पे है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है। चलो अब फाइंड करें, तो हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू टू पर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले एफ ऑफ टू निकालो, तो एक्स इक्वल टू टू के लिए इक्वेशन कौन सी, ये वाली, तो टू का क्यूब माइनस का थ्री हो गया, तो टू का क्यूब एट, एट माइनस थ्री आपका यहाँ पर कितना आ गया, सिक्स आ गया। फिर एल एच एल कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू किस पे, टू पे, तो टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये आपका यहाँ पर हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब टू में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो टू माइनस क्या हो गया, यहाँ पर एच हो गया, ठीक है, क्योंकि जिस पे हमें निकालना उसमें से थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा है, यही वाला है, तो यहीं पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स की जगह पे रखो आप यहाँ पे टू माइनस एच का क्यूब माइनस का थ्री, अब एच की जगह जीरो रख दो, तो टू माइनस जीरो का क्यूब माइनस थ्री, तो टू माइनस जीरो टू हो गया, टू का क्यूब एट माइनस थ्री, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, सिक्स आ गया। चलो फिर आर एच एल करते हैं, तो ये आपका हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू टू प्लस हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टू से आगे, तो थोड़ा सा टू से आगे कितना आगे, तो एच जितना आगे, तो ये जीरो प्लस, तो हमने टू में एच को ऐड कर दिया। फिर आपका अगेन लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, अब प्लस के लिए कौन सी इक्वेशन है, ये वाली,
यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू पुट कर लो 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, एच 0 के बराबर है, 0 रख दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 प्लस 1 हो गया, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ 5 आ रहा है। अच्छा, क्या गड़बड़ किया, 8 माइनस 3 तो 5 होता है ना, यहाँ गड़बड़ कर दी ना, 8 माइनस 3 5 होता है, कितनी बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना। ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो तीनों आपके यहाँ पे 5 आए, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि भाई तीनों इक्वल है, तो f इज कंटिन्यूस है x इक्वल टू t 2 पे, ये आपका 5 आ रहा था, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो वही सेम ही क्वेश्चन है जो भी हम कर रहे थे। यहाँ पे कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पे, तो 1 पे हम चेक करेंगे, तो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले x इज लेस देन 1 पे, नहीं इक्वल देख लेते, x इक्वल टू 1 पे इक्वेशन क्या आएगी आपकी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 10 माइनस 1। एक्स लेस देन 1 पे क्या इक्वेशन आएगी, तो यहाँ पे आएगी आपकी एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 10 माइनस 1, और ग्रेटर देन 1 पे इक्वेशन क्या आएगी, तो ये आपका आएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। चलो सबसे पहले हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 पे यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया। चलो अब उसके बाद LHL बस यही काम करना है, इसमें आगे भी क्वेश्चन तक यही करना है, तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x हो गया, फिर इक्वल टू आपका लिमिट, अब हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो 1 माइनस h करेंगे, तो ये h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h हो गया, तो लेस देन के लिए ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, है ना, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे हो गया 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, अब 0 पुट करो, 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 भी 1 ही होता है, तो ये आपका 1 माइनस 1 हो गया, यहाँ भी आपका कितना आ गया, 0 आ गया। चलो RHL कैलकुलेट करते हैं, तो RHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया। अब हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, हम h को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं लेकिन वो 0 के बराबर है, तो एफ ऑफ 1 प्लस h हो गया। चलो 1 प्लस h के लिए आप देखो इक्वेशन कौन सी है, तो इक्वेशन है 1 प्लस h के लिए ये वाली, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h की जगह 0 रखो, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि एफ ऑफ 1 तो मेरा 0 आ रहा है, LHL भी मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन RHL ने काम खराब कर दिया, वो हमारा 1 आ रहा है, तो इसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये कौन से पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, hence f is discontinuous at x equal to 1। तो ये हमारा हो गया हमारा क्वेश्चन 12। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आप ये पैटर्न समझ गए, तो आगे वाले क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।